गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 16 से लेकर 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। और कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 14 जनवरी। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है वर्ष 2017 से। आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में माल्टा के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है, आपको कमेंट करके सही जवाब देना है। आज का हमारा पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश करंट अफेयर का, हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर महिला पुरुष प्रतियोगिता में किस टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है? गाइज, आज के वीडियो पे 1500 लाइक्स का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 150 शेयर का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। देखिए, 30वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर महिला पुरुष प्रतियोगिता जो हुई है उसमें ओवरऑल जो चैंपियन रहा है वो है मध्य प्रदेश, महिला और पुरुष के मामले में। लेकिन अच्छा, पहले ये जान लें ये हुई कहाँ है, तो भोपाल में जो छोटा तालाब है, छोटी झील जिसको कहा जाता है, वहां पर ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है और मध्य प्रदेश की टीम ओवरऑल चैंपियन इसमें बनी है। महिला वर्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश की टीम ही विजेता बनी है और अंडमान निकोबार की जो टीम है वो उप विजेता बनी। ये सिर्फ महिला वर्ग की बात कर रहे हैं। पुरुष वर्ग की अगर हम बात करें तो SSC विजेता टीम बनी है और मध्य प्रदेश उप विजेता की ट्रॉफी हासिल की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ओवरऑल में MP चैंपियन रहा है। अगर हम महिला वर्ग में बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश की टीम ओवरऑल मतलब चैंपियन रही है। इसके अलावा अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो इसमें SSC जो है वो आपका विजेता बना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। देश भर के 28 राज्यों से करीब 500 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी करीब 200 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, मतलब करीब 700 खिलाड़ी जो है वो इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न, देश में पहली बार नवंबर 2020 में वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, देश में ऐसा पहली बार हो रहा है नवंबर 2020 में वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है और ये आयोजन किया जाएगा इंदौर में। ध्यान रखें कहाँ पे, इंदौर में किया जाए। इंदौर में जो आपका खंडवा रोड स्थित बिलावली तालाब है वहां पर ड्रैगन बोट वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुगम संगीत के क्षेत्र में किसे वर्ष 2018 का लता मंगेशकर सम्मान दिया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर जो लता मंगेशकर सम्मान है 2018 का, तो ये दिया जाएगा संगीतकार कुलदीप सिंह को। ठीक है, इसके साथ साथ 2017 का जो लता मंगेशकर सम्मान है वो दिया जा रहा है सुमन कल्याणपुर को। और एक और चीज जान लें आप, ये लता मंगेशकर सम्मान हर एक साल संगीतकार को दिया जाता है, एक साल गायक को दिया जाता है। ठीक है, तो 2017 की ये गायक हैं सुमन कल्याणपुर, कुलदीप सिंह संगीतकार हैं, संगीत निर्देशक हैं। ठीक है, 2018 का इनको दिया जाएगा। अब 2019 का जो दिया जाएगा वो एक गायक को दिया जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो सुविख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर, इनका जन्म हुआ था ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, जो आज के ढाका में है, तब बंगाल की प्रेसिडेंसी हुआ करता था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2017 का दिया है संगीत निर्देशन के क्षेत्र में, संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया जाएगा। और इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि, सम्मान पट्टिका और शॉल श्रीफल भेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और इंदौर में फरवरी माह में समारोह आयोजित होगा जहां पे इन दोनों लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान संगीत निर्देशक और गायन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 1 वर्ष के अंतराल से दिया जाता है, तो ये भी अपने को याद रखना है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि देखिए, एक प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है। आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है, एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, MPPSC का जो अब एग्जाम होने वाला है उसमें MPU ने सबसे ज्यादा स्पेसिफाई किया है, सिलेबस पूरे स्पेसिफाई कर दिया है। इसका मतलब MP का जो वेटेज है वो बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है MP का करंट अफेयर, स्टैटिक जी के दोनों चीजों का वेटेज बढ़ने वाला है, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है या क्या किया गया है, तो आपको लिस्ट पूरी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है। और इसमें आप देख सकते हैं प्रमुख प्रमुख है, जैसे संगीतकार नौशाद जो थे, इनको सबसे पहले जब स्टेब्लिश हुआ था 1984-85 में, तब उनको ये अवार्ड दिया गया था। दूसरा सम्मान दिया गया किशोर कुमार सम्मान को, फिर जयदेव, मन्ना डे, खयाम, आशा भोसले, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एसुदास, राहुल देव बर्मन और जी RD बर्मन है, SD बर्मन के पुत्र।
संध्या मुखर्जी, अनिल विश्वास, तलत महमूद, कल्याण जी, आनंद जी, जगदीश सिंह। सन याद रखने की जरूरत नहीं है, सन जो रिसेंट के हैं आप वो याद रखें, नाम ज़्यादा जरूरी हैं। इलिया राजा, एस पी बाला, बाला सुब्रमण्यम, भूपेन हजारिका, महेंद्र कपूर, रविंद्र जैन, सुरेश वाडकर, ए आर रहमान को भी अवार्ड दिया जा चुका है। कविता कृष्णमूर्ति, हृदयनाथ मंगेशकर, नितिन मुकेश, रवि, अनुराधा पौडवाल, राजेश रोशन, हरिहरन, ये 2011-12 तक के हैं। इसके बाद से 2012-13 का जो अवार्ड है ये दिया गया था ग्वालियर की उषा खन्ना को, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ये तो याद रख ही लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर 15-16 का जो है वो उदित नारायण को दिया गया। इसके बाद 16-17 का है ये अनु मलिक को दिया गया। अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिलती है, सन में लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, जनसंपर्क वेबसाइट है, वहाँ से मैंने उठाया है, तो ये बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भोपाल हाट बाजार में आयोजित रीजनल सरस मेले का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, भोपाल हाट बाजार में ये रीजनल सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका उद्घाटन किया है कमलेश्वर पटेल ने, जो आपके पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, इन्होंने रीजनल सरस मेले का उद्घाटन अभी किया है भोपाल में। भोपाल का जो हाट बाजार है वहाँ पर इस तरीके के मेले का आयोजन किया जाता है। और जो स्व सहायता समूह हैं उनको राज्य सरकार 0% ब्याज दर पर 30,000 रुपये तक का ऋण मुहैया कराएगी। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है कि 30,000 रुपये तक का ब्याज स्व सहायता समूह जो है उनको दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको बताया था आदिवासी अंचल के जो लोग हैं उनको 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक 0% ब्याज जो है वो इन पे लिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पृथक से एक फंड भी बनाया जा रहा है। ये बात, ये जानकारी जो है कमलेश्वर पटेल ने ही वहाँ पर दी है। इस मेले का आयोजन किया जा रहा है 15 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक, और 15 राज्यों के 194 स्व सहायता समूह अपने उत्पादों का विक्रय यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ये डेटा कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आप डेट याद रख लें, होगा तो डेट ही पूछी जाएगी यहाँ से, वो कहाँ आयोजित किया गया ये पूछा जाएगा। एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि PGCIL और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, इनके बीच में एक MOU हुआ है। आपको पता होगा अभी 1500 मेगावाट क्षमता का जो सौर पार्क है आगर, शाजापुर और नीमच में कंप्लीट हुआ है, तो इनके अन पार्कों के आंतरिक ग्रिड संयोजन के लिए, सब स्टेशन एवं लाइन निर्माण के लिए ये अनुबंध किया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के बीच में। ठीक है, और ये किया गया है नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, हर्ष यादव, इनकी उपस्थिति में। ठीक है, तो किस किस के बीच में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रीवा अल्ट्रा यानी कि रम्स इसको बोला जाता है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। ठीक है, और इस अवसर पर जो PGCIL है इसको परियोजना सलाहकार सेवा प्रदान करने के लिए सलाहकार नियुक्त करते हुए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। और रम्स की ओर से श्री राजीव रंजन मीणा जो यहाँ के CEO हैं, ठीक है, और TC शर्मा कार्यपालक निदेशक हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने इस पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इस तरीके का एक अनुबंध या MOU इनके बीच में हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर को साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया बनाया जाएगा? तो देखिए, साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया जो है ये बनाया जाएगा इंदौर को। इंदौर अब क्लीन सिटी आपका बन चुका है, अब साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया इसको बनाए जाने की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं, और ये यहाँ के जो कलेक्टर हैं उन्होंने इसकी घोषणा करी है, लोकेश कुमार जाटव। इन्होंने विलियंट कन्वेंशन सेंटर में ट्रैफिक कैबिनेट की एक बैठक चल रही थी उसमें इस चीज़ की घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रदूषण बोर्ड है वो इंदौर शहर के 20 ऐसे चौराहों को चयनित किया गया है प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जहाँ सबसे ज़्यादा हॉर्न बजाया जाता है, तो इन चौराहों को नो हॉर्न जोन बनाया जाएगा। और शहर के वे स्थान जहाँ पर हॉर्न नहीं बजाया जाना चाहिए जैसे स्कूल, अस्पताल, कोर्ट, इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, और सारी कार्य योजना तैयार करके काम जल्द ही शुरू इसके लिए किया जाएगा, तो भविष्य में आपकी जो इंदौर है वो साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया। तो गाइज, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।